अष्टाशीतितम सुक्तम भावार्थ यह इंद्र दर्शनीय शत्रु का नाश करने वाला सोम रस से प्रसन्न होने वाला उस इंद्र की सभी यज्ञों में स्तुति होती है। भावार्थ यह इंद्र तेजस्वी श्रेष्ठ दाता बादलों से घिरे हुए पर्वत की भांति सदैव धन से घिरा हुआ विश्व का पालक और गौ रूपी धन का स्वामी है। भावार्थ हे इंद्र बड़े बड़े दृढ़ पहाड़ भी तुझे नहीं हिला सकते। तू जो धन देना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। भावार्थ हे इंद्र तू अपने कार्य एवं बल के कारण योद्धा कहता है। तू कार्य तथा बल से संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है। भावार्थ हे इंद्र तू अपने बल से द्युलोक की सीमाओं से परे भी शासन करता है। पृथ्वी का व्यापक लोक भी इस इंद्र की मर्यादा को नहीं प्राप्त कर सकता। भावार्थ जब यह इंद्र किसी को धन देना चाहता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। वही संपूर्ण जगत को प्रेरणा देता है, इसलिए उससे बढ़कर शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है। इसलिए इसके कार्यों में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। एकोन नवतितम सुक्तम भावार्थ रित नियम के अनुसार चलने वाले वीर उस दिव्य तेज को प्राप्त करते हैं जो उन्हें सदैव जागृत रखता है। वह दिव्य तेज उन्हें आलस्य से दूर रखता है। भावार्थ दुष्टों को नष्ट करने वाले इंद्र ने सब शत्रुओं को नष्ट किया, वह तेजस्वी बना। सभी देव तेरे संख्य के लिए यत्न करते हैं। जो शत्रुओं का संहारक यशस्वी होता है उसकी मित्रता करने की सब कामना करते हैं। भावार्थ जो सैकड़ों शुभ कार्य करता है और उत्तम तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रु का संहार करता है उस वीर की सब स्तुति करते हैं। अपने शस्त्र अति तीक्ष्ण रखने चाहिए, उससे शत्रु का संहार करना चाहिए। जो वीर ऐसा करता है उसकी स्तुति होती है। भावार्थ हे इंद्र शत्रु का नाश करने के विचार हमारे मन में स्थापित कर। तेरे धैर्यवान मन से हमें पर्याप्त अन्न का दान कर। शत्रु को मार, अपना जय हो ऐसा कर। भावार्थ हे इंद्र तूने वृत्र को मारने के लिए जिस शक्ति को प्रकट किया था उसी शक्ति को तूने पृथ्वी को विस्तृत करने के लिए किया तथा उसी शक्ति से तूने द्युलोक को स्थिर किया। भावार्थ इस जगत में जितना कुछ भी ज्ञान है उस सबको इंद्र जानता है। इसके अतिरिक्त इस संसार में जितना भी कुछ उत्पन्न हुआ पदार्थ है अथवा जितना भी कुछ भविष्य में होने वाला है उन सबका अधिपति इंद्र ही है। भावार्थ यह इंद्र की महिमा है कि उसने गायों में पके हुए दूध को स्थापित किया। गो दुग्ध स्वयं में एक पकवान है। उसी इंद्र ने द्युलोक में सूर्य को स्थापित किया। नवतितम सुक्तम भावार्थ शत्रुओं का वध करने वाला तथा उत्तम शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाला होने के कारण वह इंद्र सबके द्वारा युद्ध में मदद के लिए बुलाया जाता है। भावार्थ हे इंद्र तू धनों का दान करने में पहला दाता है। तू सच्चा स्वामी निर्माण करने वाला है। तेजस्वी एवं बल के लिए विख्यात ऐसे महान योग्य सामर्थ्य हम चाहते हैं। हमें ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो ऐसा चाहते हैं जिनसे तेजस्विता एवं बल बढ़ता रहता है। भावार्थ इंद्र इतना शूरवीर है कि उसे कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता। वह सदैव उत्साह में भरकर शत्रुओं का संहार करता है, इसलिए उसकी सब स्तुति करते हैं। भावार्थ यह इंद्र अकेला होते हुए भी अपने वज्र से अन्यों से अपराजेय शत्रुओं को मारता है तथा अपने इस सामर्थ्य के कारण यशस्वी होता है। भावार्थ हे इंद्र जिस प्रकार तुम बुद्धिमान के पास पिता के धन का भाग पुत्र मांगता है उस प्रकार धन का भाग हम मांगते हैं। तेरे आश्रित रहने वाले हम बड़े कवच से सुरक्षित होने की भांति सुरक्षित होकर तुझसे सुख प्राप्त करते हैं। एकन वतितम सुक्तम भावार्थ स्त्रियां भी स्नान आदि से पवित्र होकर यज्ञ करें तथा उसमें सोम रस तैयार करके इंद्र को बुलाकर उसका आदर करें। स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार है, यह इन दो मंत्रों में प्रतिपादित होता है। भावार्थ इंद्र के रूप अनेक हैं, अतः वह नाना प्रकार के रूपों में प्रकट होता है। उसकी अनेकता के कारण वह सब जगह व्यापक होते हुए भी उसे पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए उसे जानने की कामना करने वाले ज्ञानी लोग भी उसे पहचान नहीं सकते।
भावार्थ उस इंद्र की उपासना हम करें तो हम अनेक बार सामर्थ्यशाली और अनेक बार धनवान हो सकते हैं। भावार्थ मनुष्य ऐसे कार्य करे जिससे उसके पिता का सिर सदैव गर्व से ऊंचा रहे, वह संपत्तिशाली बने एवं स्वास्थ्य उत्तम बने। भावार्थ हे इंद्र, हमारी उपजाऊ भूमि को पाक वाली कर, मेरे शरीर को बालों वाला कर अर्थात तरुण कर, पिता का सिर बाल वाला कर, उसके बाल नष्ट न हो। भावार्थ रथ गाड़ी तथा जुए के छिद्र से अपाला को 3 बार पवित्र करके उसको सूर्य की भांति तेजस्वी बनाया, अपाला को रथ और गाड़ी पर बिठाया, उससे जू ठीक किया, इससे अपाला कन्या सामर्थ्यवती बनी, उसका शरीर ठीक हुआ, दिन वतितम सुक्तम। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम सभी शत्रुओं का नाश करने वाले और अनेक शुभ कार्य करने के कारण मनुष्यों में पूज्य इंद्र की स्तुति करो। भावार्थ इंद्र ही बहुत अधिक अन्न को देने वाला और उत्तम नेता है, वह अनंत काल से विख्यात होने के कारण अत्यंत यशस्वी है, वह अत्यंत विनम्र हुए हमें ऐश्वर्य से संपन्न करे। भावार्थ इंद्र श्रद्धा पूर्वक हवि देने वाले के द्वारा दिए गए सोम रस का पान करता है, जो मन से इंद्र की स्तुति करता है उसके सोम रस को इंद्र स्वीकार करता है। भावार्थ तेजस्वी इंद्र इन सोम रसों को ग्रहण कर उत्साह में भर जाता है तथा ओजस्वी होकर वह सारे भुवनों पर शासन करता है, उस वीर इंद्र की प्रशंसा सब लोग स्तोत्रों से करते हैं, सोम को ग्रहण करने से उत्साह एवं शक्ति बढ़ती है। भावार्थ युद्ध करने वाले अपने स्थान से न हटने वाले नेता इंद्र को उनके निश्चित किए कार्य से हटाया नहीं जा सकता, वीर वही है, वह एक बार जो निश्चित कर लेता है उससे वह कभी भी पीछे नहीं हटता। भावार्थ हे विद्वान इंद्र, तू हमें ऐश्वर्य से युक्त कर और साथ ही हमारी रक्षा कर, बल बढ़ाने वाले अनेक प्रकार के अन्न से युक्त होकर तू हमारे पास आ। भावार्थ हम बुद्धिमान होकर बुद्ध के ही कार्य करते हुए आगे बढ़ें, घोड़ों से संग्राम में जय प्राप्त करें, संग्राम में घोड़ों का प्रयोग करें। भावार्थ जिस प्रकार जौ से भरे हुए खेतों को देखकर गाय प्रसन्न होती है, उसी प्रकार स्तोत्रों को देखकर इंद्र प्रसन्न होता है और उसी प्रकार अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति होते देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं। भावार्थ ऐश्वर्यों की इच्छा करने वाले मनुष्य इंद्र की भक्ति करते हैं, क्योंकि उस इंद्र से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इंद्र की बुद्धि शत्रुओं के लिए भयंकर तथा सत्पुरुषों के लिए अनेक गुणों को धारण करने वाली है। भावार्थ सोम रस तेजस्वी तथा आनंददायक होते हैं, उन्हें पीकर इंद्र भी विलक्षण शक्तिशाली यशस्वी शत्रु का संहार करने वाला तथा अपने भक्तों के बल को बढ़ाने वाला होता है। भावार्थ हमें मालूम है कि हमें जो कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ है वह सब इंद्र की कृपा से ही मिला हुआ है, इसलिए हम उस इंद्र की स्तुति करते हैं। भावार्थ उस इंद्र के पास सब प्रकार के ऐश्वर्य भरे पड़े हैं, वही सब यज्ञों में प्रशंसित होने वाला है, इसलिए तीनों सवनों में किए जाने वाले यज्ञ भी उसी इंद्र के लिए किए जाते हैं। भावार्थ जिस प्रकार सभी नदियों का प्रवाह सागर की ओर ही जाता है, उसी प्रकार सबके द्वारा दिए गए सोम रस इंद्र के पास ही पहुंचते हैं तथा उस सोम की महिमा से इंद्र यशस्वी होता है। भावार्थ सोम रस का पान कर उसे पचाने से तेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हीं सोम रसों को पीकर इंद्र तेजस्वी हुआ। भावार्थ हे इंद्र, हमारे द्वारा अर्पित किए गए सोम रसों को तू प्रेम पूर्वक स्वीकार कर, हम तेरी स्तुति करके अधिक प्रमाण में तुझसे धन प्राप्त कर सकें। भावार्थ हे इंद्र, तू वीरों से युक्त है, तुम्हारे साथ अनेक वीर हैं, तू संग्राम में शूर है तथा स्थिर रहता है, भागता नहीं, तेरा मन उपासना करने योग्य है, वीर संग्राम में स्थिर रहे, पलायन न करे, ऐसे वीर का मन उपासना करने योग्य है। भावार्थ सब धारणाकर्ताओं के द्वारा तेरा दान धारण किया जाता है, इस संसार